अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। सबसे पहले बड़ी खबर आपको राजधानी दिल्ली से बता दें, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से सीएम योगी आदित्यनाथ मिले, गाजियाबाद के लिए रवाना हो गए हैं अब सीएम योगी आदित्यनाथ। आज गाजियाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ का कार्यक्रम है। उपचुनाव को लेकर सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के जो बड़े बीजेपी चेहरे हैं उनके साथ आज बैठक करेंगे। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं, आज गाजियाबाद जाने से पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने उपराष्ट्रपति डॉक्टर जगदीप धनखड़ से मुलाकात की। मुलाकात की तस्वीर भी उन्होंने साझा की है। इस दौरान इसके बाद मुलाकात के बाद सीएम योगी आदित्यनाथ गाजियाबाद के लिए रवाना हो गए। गाजियाबाद में सीएम योगी आदित्यनाथ आज बीजेपी के बड़े पदाधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। बात उत्तर प्रदेश की कर लेते हैं। लखनऊ से बड़ी खबर, अलग अलग परीक्षा केंद्र पहुंचे डीजीपी प्रशांत कुमार। पुलिस भर्ती परीक्षा का डीजीपी प्रशांत कुमार ने इस दौरान जायजा लिया। 67 जिलों में 2 पालियों में यह परीक्षा कराई जा रही है। डीजीपी प्रशांत कुमार इस दौरान परीक्षा केंद्र में औचक निरीक्षण करने पहुंचे। जो भी अफवाह फैलाई जाएगी या फैलाएगा उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी, ऐसा डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा है। साठ लाख से ज़्यादा बच्चे लगभग 10 पालियों में परीक्षा देंगे। अभी तक जो हम लोगों के पास कंफर्म सूचना है उसके हिसाब से 48 लाख बच्चों ने के इस परीक्षा में शामिल होने की के बारे में ज्ञात हुआ है और प्रदेश के 67 जनपदों में ये परीक्षाएं 5 दिनों में 2-2 पालियों में संपन्न होगी। आज प्रथम पाली की परीक्षा चल रही है। सभी जगह सुचितापूर्ण तरीके से परीक्षाएं प्रारंभ होकर सकुशल तरीके से चल रही हैं। सभी जगह हमारे मजिस्ट्रेट, हमारे पुलिस के अधिकारी लगातार भ्रमणशील हैं। ये एक में पूरी परीक्षा एक लंबी प्रक्रिया के तहत की जा रही है और इसमें बहुत सारे स्टेप्स होते हैं, जैसे प्रश्न पत्र का भंडारण, फिर वहाँ से सेंटर पे पहुँचाना, यहाँ बच्चों को का आधार प्रमाणित करना और उसके बाद से सुचारू रूप से परीक्षा कराना। तो इस बार ऐसी व्यवस्था की गई थी कि किसी को कोई असुविधा नहीं हुई। शासन स्तर से और सभी अधिकारियों के स्तर से बार बार जिले के अधिकारियों को सभी चीज़ें बताई भी गई, ट्रेनिंग भी दी गई, उस कारण से ही परीक्षाएं बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से चल रही हैं। खबरों में आगे बढ़ते, बात राजधानी दिल्ली की कर लेते हैं। अब्बास अंसारी की याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। तो बड़ी खबर आपको बता दें, अब्बास अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज अहम सुनवाई। जेल में पत्नी निखत के साथ अवैध मुलाकातों से जुड़ा यह पूरा मामला, इस मामले में जमानत के लिए याचिका पर सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाबी हलफनामा मांगा। यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते का समय दिया है। अब्बास अंसारी से जुड़े इस मामले की सुनवाई अब 4 सितंबर को होगी। तो मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी मऊ से विधायक है, ऐसे में अब्बास अंसारी पहले ही जेल में बंद है। इस दौरान अब्बास अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। जेल में पत्नी निखत के साथ अवैध मुलाकातों का ये मामला है, इस मामले में जमानत के लिए याचिका पर आज सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार से जवाबी हलफनामा मांगा है और यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने 1 हफ्ते का समय दिया है, यानी सरकार के पास यहां पर 1 हफ्ते का समय है अपना जवाब दाखिल करने के लिए। अब्बास अंसारी से जुड़े मामले की अब अगली सुनवाई 4 सितंबर को होगी। अब बात रांची की कर लेते हैं, जहां भारतीय जनता पार्टी की युवा आक्रोश रैली होने जा रही है। चुनावी वादों को याद दिलाने के लिए इस रैली का आयोजन किया जा रहा है। आज मुख्यमंत्री आवास का बीजेपी घेराव करेगी। बीजेपी युवा मोर्चा के लाखों कार्यकर्ता सीएम आवास का घेराव करेंगे।
इस दौरान मोरहाबादी मैदान में युवाओं का जमावड़ा होगा। बीजेपी के कई बड़े नेता इस युवा आक्रोश रैली में शामिल होंगे। 2000 से ज्यादा पुलिस बल की हालांकि तैनाती कर दी गई है, साथ ही एसडीएम ने इलाके में धारा 144 भी लागू कर रखी है। जो 2014 से लगातार देश के युवाओं को छलने का ठगने का काम कर रहा है, वो भारतीय जनता पार्टी आज आक्रोश रैली निकाल रही है। हमें लगता है कि युवाओं को भारतीय जनता पार्टी ने छला ठगा, किसानों को भारतीय जनता पार्टी ने छला और ठगा, देश के निम्न वर्गीय मध्यम वर्गीय परिवार की बात कर ले तो भी भारतीय जनता पार्टी के कुशासन से पूरी तरह त्रस्त और महिलाएं त्रस्त। और विडंबना यह है कि अब भाजपा आक्रोश रैली निकाल रही है। हमने नौकरियों का द्वार खोल दिया है, मैया सम्मान योजना भारतीय जनता पार्टी को बेचैन कर दिया है, छटपटा दिया है। उन्हें यह लग रहा है कि सत्ता अब हमारे हाथों में झारखंड की नहीं आने वाली है। डेमोग्राफी के मामले में माननीय उच्च न्यायालय ने जो भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम किया, यह भी उनकी बेबसी साफ नजर आई। तो इन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए यह आक्रोश रैली आयोजित कर रही है। लेकिन जो 2000 झारखंड में जिस तरह से अक्टूबर महीने में विधानसभा चुनाव हो सकते हैं, ऐसे में हलचल पूरी तरह से तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी आज युवा आक्रोश रैली निकालने वाली है, चुनावी वादों को याद दिलाने के लिए सत्ता पक्ष यानी हेमंत सोरेन सरकार के खिलाफ ये रैली का आयोजन किया जा रहा है। आज बीजेपी मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेगी। बीजेपी युवा मोर्चा के लाखों कार्यकर्ता आज सीएम आवास कूच करेंगे। मोरहाबादी मैदान में युवाओं का जमावड़ा होगा, जिसके बाद बीजेपी के कई सारे बड़े नेता इस रैली में शामिल होंगे। खबर मथुरा से है, जहां थाना गोविंद नगर पुलिस ने देर रात एक मुठभेड़ के दौरान 25,000 रुपए के इनामी बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान बदमाश के पैर में गोली लग गई। पुलिस ने उसके पास से चोरी की एक बाइक, देसी तमंचा और कारतूस भी बरामद किया। इस बदमाश पर लूटपाट और गैंगस्टर एक्ट और चोरी के 8 मामले दर्ज है। खबर सिद्धार्थ नगर से है, जहां बूढ़ी राप्ती के तट पर बसे हुए कई घरों को नदी ने अपनी आगोश में ले लिया। बता दें कि तेज बारिश के कारण कुछ ऐसे गांव भी हैं जिनके अस्तित्व पर भी खतरा मंडराने लगा है। गांव के कई घर नदी के तेज बहाव के चलते जल विलीन हो गए हैं और लोग बेघर हो गए हैं। उफनाती नदी ने इस दौरान कई लोगों से उनका घर छीन लिया है। लोगों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। भरतगढ़ तहसील के तौलीहवा टोला बाला नगर में है, जो कि बाढ़ की विभीषिका से हर साल यहां के निवासी परेशान रहते हैं। आए दिन इनका कहना है कि बाढ़ जब आती है तो घर के घर नदी में विलीन हो जाते हैं। ऐसे में हमारे साथ कुछ ग्रामीण भी हैं जो वहां के निवासी हैं, उन्हीं से जानते हैं क्या है इनकी समस्या और उन्हीं से ये जानकारी करते हैं। आप बताएं क्या समस्या है बाढ़ से यहाँ? हम लोग का सर यही समस्या है, हर साल गिर रहा है, हर साल परेशानी हो रहा है। कोई शिकायत यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है, ना कोई जांच बहाल कर रहा है सर। अब हम लोग क्या करेंगे? इधर उधर हम दौड़ते, हम लोग के बीच जाता है, हम लोग गरीब आदमी, हम लोग का कोई सुनवाई नहीं करते हैं। हम लोग क्या करें? हम लोग परेशान हैं, ना कहीं हम लोग को व्यवस्था करते हैं और ना दिखवाई इसको करते हैं कि मैंने चलो भाई कोई व्यवस्था करेंगे, कोई कर्मचारी, कोई नेता, कोई विधायक, इसका कोई नहीं सुनवाई करते हैं सर।
यहाँ के लोगों का कहना है कि ना कोई विधायक, ना कोई सांसद, ना ही यहाँ की शासन प्रशासन कोई भी देखने नहीं आई अभी तक, जबकि हर साल बाढ़ आती है, लोग परेशान होते हैं, इनका घर भी नदी में विलीन हो गया है और लोग भी हैं, उनसे भी जानकारी करते हैं क्या पूरा मामला है। यहाँ के निवासी हैं आप जो कि लोगों की समस्या बता रहे हैं कि घर का घर इस नदी में विलीन हो जाता है, तो क्या समस्या है? समस्या सर यहाँ पे ऐसा है कि गरीब लोग का बहुत परेशानी है और घर का घर गिर जाता है, लोग हमेशा डरे रहते हुए हैं। यहाँ पे रात को किसी की नींद नहीं आती है क्योंकि नदी एकदम करीब में आ गया है, हो सके घर में अगर सोए हुए आदमी है, बुढ़ी बुढ़ा है, माँ बाप हैं हमारे, अगर घर एक बार गिर जाए तो उसके साथ घर भी जाएगा और हम लोग भी साथ में चले जाएंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ न कुछ तो जानकारी और देखभाल हमारे बाल बच्चों को सुविधा करना चाहिए। और लोग हैं उनसे बात करते हैं, आप बताएं जो है अभी तक कोई शासन का या प्रशासन का आदमी आया झांकने तक? नहीं, कोई नहीं आया है। वही बाढ़ इसके महीना पहले जब आई थी तो वही तहसील के लोग आए थे और वही एक बोरा लाई और खादान दे करके चले गए, तब से आज तक कोई नहीं आया। 10-15 घर नदी में गिर गया, उसका कोई मुआवजा भी नहीं मिला, खेत हम लोगों का नुकसान हो गया, फसल उसका भी आज तक कोई राहत नहीं मिल पाया। हम लोग तहसील और जिले पर चक्कर लगा रहे हैं लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ के ग्रामीणों का कहना है कि हम लोग शासन प्रशासन की चक्कर लगा रहे हैं लेकिन अभी तक कोई सुनवाई तक नहीं हुई। आप देख सकते हैं पीछे मेरे किस तरह से कटान कर रही है, लोगों के घर भी इसमें विलीन हो गए, नदी में चला गया है, लेकिन अभी तक यहाँ ना ही कोई सांसद, ना ही कोई प्रतिनिधि, ना विधायक, ना शासन का आदमी झांकने तक नहीं आया, ना इनका पुरसा हाल लेने आया कि यहाँ के लोग कैसे यहाँ जीवन यापन कर रहे हैं। सिद्धार्थनगर से राकेश यादव, इंडिया वाइज। आगे बात करेंगे मथुरा की, यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटेंगे, कहीं जाइएगा नहीं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात मथुरा की कर लेते हैं। मथुरा में रात से झमाझम बारिश के श्री कृष्ण जन्माष्टमी की तैयारियों पर ब्रेक लग गया है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 25 को मथुरा आ रहे हैं, इसी को लेकर कई दिन पहले ही श्री कृष्ण जन्मोत्सव की तैयारियां शुरू हो जाती है। मथुरा वृंदावन को भव्य रूप में सजाया जाता है लेकिन इस बार बारिश ने सारा खेल बिगाड़ दिया है। आगरा में हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां झोला छाप लोग मोटी रकम ऐंठने के फिराक में गंभीर मरीजों की जान से खिलवाड़ कर रहे हैं। झोला छाप अस्पताल में भर्ती कर धड़ल्ले से गंभीर मरीजों का इलाज कर रहे हैं। इस दौरान नाई की मंडी क्षेत्र के तोपखाना में झोला छाप डॉक्टरों ने अस्पताल बना रखा है। बिना डिग्री के गंभीर मरीज भर्ती कर उनका इलाज झोला छाप डॉक्टर द्वारा किया जा रहा है। झोला छाप डॉक्टरों के अस्पताल में नाबालिग बच्चे गंभीर मरीजों को उपचार दे रहे हैं। वहीं यूपी पुलिस सिपाही भर्ती परीक्षा आज से शुरू हो गई है। इस बार पूरी सख्ती के साथ परीक्षा कराई जा रही है। सघन जांच और आधार सत्यापन के बाद ही अभ्यर्थियों को एंट्री मिल रही है और इसको लेकर इंडिया वॉइस संवाददाता मोहम्मद आसिफ ने अभ्यर्थियों से खास बातचीत की है। परीक्षा एक बार फिर से आज शुरू हो गई है। इस परीक्षा को लेकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ, डीजीपी प्रशांत कुमार समेत कई अफसरों ने कमर कस ली है। हम दिखाना चाहेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर दूसरी पाली यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के परीक्षार्थी मौजूद हैं जो अपने पाली का इंतजार कर रहे हैं। कैमरामैन चाहेंगे दिखाने की कोशिश करें कि देखिए किस तरह जो है कई मशक्कत के बाद परीक्षा केंद्रों पर पहुँचते हैं। हालांकि जिस तरह से पिछले फरवरी महीने में यह परीक्षा पेपर लीक के चलते रद्द हो गई थी, इससे अभ्यर्थियों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। हमारे साथ मौजूद है कुछ परीक्षार्थी, इनसे बात करने की कोशिश करते हैं।
कहाँ से आए? कुशीनगर से। क्या लग रहा है जिस तरह से जो परीक्षा फिर से हो रही है, कितना मानते हैं, कितना भरोसा है कि सही परीक्षा होगी? इस समय लग रहा है कि सही परीक्षा होगी, क्योंकि काफ़ी समय लिया गया है, बच्चे लोग भी तैयारी किए होंगे, तो उस समय तो समय नहीं मिला होगा। तो पेपर फॉर्म अप्लाई किया गया नवंबर में, उसके बाद फरवरी में पेपर डाल दिया गया, दो तीन महीने लड़कों को समय मिला होगा। इस समय कुछ लड़के मतलब इस समय संभावना है कि पेपर नहीं मिलेगा, ऐसा लग रहा है। बस यात्रा मिली? हाँ मिली, बस यात्रा मिली, मतलब वो प्रवेश पत्र के साथ आए, प्रवेश पत्र दिखा रहे थे, वैसे ही चले आ रहे। कब आए आप? तो कल शाम को आया था मैं, लगभग 7 बजे के आसपास। तो यहाँ क्या दिक्कत तो नहीं रुकने में? या रुकने में दिक्कत बस यही हुई कि मतलब अपना रूम बढ़ा लिया और क्या। परीक्षा कितनी होगी? मेरी परीक्षा शाम को है, 2 बजे से। 2 बजे से। और भी लोग मौजूद हैं जिनसे बात करने की कोशिश करते हैं। क्या नाम है आपका? आकाश यादव। कहाँ से आ रहे? देवरिया से। क्या लग रहा है? इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।